कुर्ता एक और रंग ढेर सारे, जी हाँ बिल्कुल इश्क में मरजावा वाली हालत हो रखी है। एक दूल्हा और दुल्हन कोई भी हो सकता है, या तो आरोही हो सकती है जिससे कभी दीप प्यार करता था, या तारा हो सकती है जो दीप से शादी करना चाहती है, या फिर नेत्रा हो सकती है जिससे दीप शादी करना चाहता है। भैया कंफ्यूजन बहुत है, तो इनको इनके हाल पर ही छोड़ दीजिए। सज गया है मंडप, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मंडप में दीप की दुल्हन कौन बनेगी। आरोही को तो दीप ने किडनैप कर रखा है, तारा इस मंडप में खुले आम घूम रही है, तो वहीं इस मंडप में दुल्हन बनने की एक और दावेदार आ गई है, उसका नाम है नेत्रा। इंसान एक लेकिन उसकी दुल्हने बनने का दावा तीन तीन लड़कियाँ कर रही है। अब ये शादी नहीं जैसे कि सरकार बनने वाली बात हो गई है। आखिर दीप में ऐसा है क्या कि लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं? तीन लड़कियां, दो लड़कियां नहीं तीन लड़कियां। आरोही नेत्रा क्या है? What is their दीप? अब तो दीप देख भी नहीं सकता, फिर भी मैं नजर मत लगाओ तू एक सेकंड देखो यार, इसमें मेरा कुछ मतलब बिलीव मी आई हैव नथिंग टू डू इन दिस कि तीन लड़कियां क्या क्यों। मुझे जो काम दिया जाता है मैं अपने ईमानदारी से करता हूँ, हालांकि काम बहुत अच्छा दिया गया मुझे। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कोई न कोई ट्विस्ट तो हमेशा लाना ही पड़ता है, सो इस बार आरोही की वजह से दीप ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। और जरा देखिए ना, आंखों की रोशनी जाने के बाद दीप की आंखें नीली भी हो गई है। दीप आरोही से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी आंखें चली गई है, उसने पूरी कोशिश की थी। एंड थोड़ा ऑब्वियसली कहानी में ट्विस्ट भी आया, प्लस किस्मत भी अच्छी है। और क्या कोइंसिडेंस है, जो लड़की अभी अभी दीप की जिंदगी में आई है उसका नाम है नेत्रा, यानी कि नेत्रा की आंखों से दीप अब दुनिया देखेगा। गौर से देखिए इस मंडप, गौर से देखिए इस मंडप को। और कितनी शादियां एक आदमी की नहीं, अभी क्या है, पहले मैं देख सकता था, अब नहीं देख सकता तो एक बार फिर शादी होनी चाहिए ना, है ना? वो पता नहीं ना मुझे, मैं तो सोचो ना, मैं तो नेत्रा को देखा भी नहीं है। वैसे अभी के लिए इस मंडप में दुल्हन बनकर आने का सपना तारा ने देखा है, लेकिन वो नहीं जानती कि भले ही दीप के आंखों की रोशनी चली गई है लेकिन उसका दिमाग अभी भी ट्यूबलाइट से ज्यादा ही चलता है। तारा हर बार कोशिश करती है कि पहले आरोही से फाइट बैक करती थी, मुझे दीप वापस चाहिए। अभी नेत्रा है, बीच में आरोही डिस्गाइज लुक में आई थी एज लैला, तो तारा को हमेशा प्रॉब्लम हुई है बिकॉज शी ऑलवेज वॉन्टेड दीप, डेढ़ साल से शी वॉन्ट्स दीप, अभी भी उसकी कंसिस्टेंसी है लगी हुई है। क्योंकि इस मंडप में उसकी एक नई शिकार दुल्हन बनकर बैठने वाली है, अब वो कौन होगी ये हम नहीं बताएंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।